हेलो लर्नर्स, मैं संजीव आपका स्वागत करता हूँ इंग्लिश लिटरेचर अड्डा पर। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, वो भी डिटेल में। और अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वो वीडियो ज़रूर देख लें। और कंप्लीट टेंसेज मैं कराऊँगा, डेली एक टेंस आपका मैं कंप्लीट करवा दूंगा। और नोट्स बनाते रहें साथ साथ में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट मीन्स आपको पता है वर्तमान, कंटिन्यूअस कंटिन्यूस मीन्स कंटिन्यू से बनाया लगातार या जारी रहना, और टेंस मीन्स काल। तो इसमें ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें कार्य समाप्त नहीं होता है, कंटिन्यू रहता है, जारी रहता है कार्य। कार्य का होना इसमें जारी रहता है, कंटिन्यू रहता है। क्या रहता है? कार्य का होना जारी पाया जाता है इसमें, कंटिन्यू पाया जाता है, इसलिए इसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, पहले तो इसकी पहचान देख लीजिए आप। इसकी पहचान इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा? रहा है, रहे हैं, रही है, हुआ है, हुए हैं, हुई हूँ आदि शब्द आते हैं। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब, इसकी तीन हेल्पिंग वर्ब है। नंबर एक है इज, एम और आर। अब जो ये इज है, इज का यूज़ होगा ही, शी, इट और नेम के साथ। नेम मतलब नाम, चाहे वो आदमी का है या जानवर का है या औरत का है या बच्चे का है, किसी का भी नाम हो या जगह का है, सबके साथ इज का यूज़ होगा अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना। आई के साथ एम का यूज़ होगा, और आर के साथ किसका यूज़ होगा? यू वी दे। अगर ये सब्जेक्ट है यू वी दे, तो इनके साथ आर का यूज़ होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप ये आपकी समझ में आ गया। अब बात करते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब होती है वो जो सेंटेंस में कार्य होता है। जैसे वह किताब पढ़ रहा है, ये सेंटेंस, वह किताब पढ़ रहा है। अब इसमें काम क्या हो रहा है? पढ़ रहा है, इसमें काम हो रहा है पढ़ने का। ये कोई भी बता देगा, क्लास फिफ्थ का बच्चा बता देगा या एक छोटा 3 साल का बच्चा भी बता देगा कि वह किताब पढ़ रहा है, इसमें क्या काम है। और तुम तो बड़े बच्चे हो, समझदार हो, तो इसलिए तुम भी बता दोगे कि सर इसमें पढ़ रहा है, ये काम है। तो जो ये काम है, इसी को हम मेन वर्ब बोलते हैं। अब इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, क्या लगेगी? मान लो अगर जाने का काम हो रहा है, तो जाने की इंग्लिश क्या है? गो। तो इसमें ing जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? गोइंग। अगर ईट है, ईट फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें ing जोड़ देंगे, ईटिंग, है ना। अगर है, अगर याद करने की बात है, तो लर्न मीन्स है याद करना, LEARN, तो इसमें भी ing जोड़ देंगे, लर्निंग। आई होप ये आपकी समझ में आ गया होगा कि कैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing जोड़ते हैं मेन वर्ब में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए वीडियो आगे बढ़ाते हैं, और इसमें देखते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसकी हिंदी आपको बताई थी स्वीकारात्मक वाक्य। क्या है इसकी हिंदी? स्वीकारात्मक वाक्य। तो क्या है स्वीकारात्मक वाक्य? ये ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें ना तो नहीं होता है, और ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड होता है, और ना ही इनके शुरू में क्या होता है। ये बिल्कुल साधारण वाक्य होते हैं। जैसे मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, क्या सेंटेंस है? मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। तो इसमें ना तो नहीं दिया हुआ है ना, ना ही इसके शुरू में क्या दिया हुआ है, और ना ही इसके बीच में कब, क्यों, कहाँ और कैसे ये दिया हुआ है। तो इसका मतलब ही क्या है? बिल्कुल साधारण वाक्य है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे कैसे ऐसे वाक्य की? मान लो अगर इस टाइप का सेंटेंस है ना, तो सबसे पहले लिखेंगे हम इंग्लिश। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट की इंग्लिश। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें, और सब्जेक्ट तलाश कैसे करेंगे? तो सब्जेक्ट हम तलाश करते हैं जो सेंटेंस में कार्य हो रहा है उसके पहले कौन लगाकर, क्या लगाकर, कौन लगाकर। तो इसमें कार्य क्या हो रहा है? मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, इसमें कार्य हो रहा है पढ़ने का। तो कौन पढ़ रहा है? आंसर क्या आया? मैं पढ़ रहा हूँ। तो इस मैं की इंग्लिश हमने लिख दी यहाँ पे आई। ठीक है, आ गया होगा यहाँ तक समझ में। इसके बाद इज, एम, आर। तो आई के साथ क्या लिखेंगे हम, एक बार चेक करते हैं। आई के साथ हम लिखेंगे एम, ये लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आई के साथ हमने एम लिख दिया। उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। इसमें काम हो रहा है पढ़ने का, और पढ़ने की फर्स्ट फॉर्म है रीड, और हमने इसमें अलग से आई एन जी जोड़ दिया, रीडिंग। उसके बाद अपने है इसमें, अपने, इसमें अपने नहीं है। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। मान लो अगर इसमें अपने होता कि मैं अपना अखबार पढ़ रहा हूँ, तो आई के साथ अपने की अंग्रेजी हम लिखते माई, यहीं पर। अब इसके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्लास करते हैं क्या या किसको लगाकर। ठीक है, क्या या किसको लगाकर। तो क्या पढ़ रहा है भाई, क्या पढ़ रहा है? किताब, अखबार पढ़ रहा है। तो अखबार की इंग्लिश है न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर ये कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन के पहले हम यूज करते हैं द। ठीक है, तो आई रीडिंग द, आई एम रीडिंग द
न्यूज़पेपर, ये हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट एग्जांपल है, वह अपना काम कर रहा है। तो तुम्हें बता दा, कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में बनाने से पहले हमें देखना है कि ये टेंस कौन सा है, और उसके बाद देखना है हमें ये सेंटेंस कौन सा है। ये दो बात ध्यान रखनी है कोई भी सेंटेंस की इंग्लिश बनाने से पहले। तो ये टेंस कौन सा है, वह अपना काम कर रहा है, यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, सिंगल इंट्रोगेटिव है या डबल इंट्रोगेटिव है, तो यह है अफर्मेटिव, ये बिल्कुल सिंपल है। अच्छा ये बताओ, जो सिंगल इंट्रोगेटिव है उसकी पहचान क्या है, उसकी पहचान है उसके शुरू में क्या दिया हुआ होता है, ठीक है। तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव। तो नंबर एक सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट में बता था कौन लगा कर तलाश करते हैं भाई, इसमें काम क्या हो रहा है, वह अपना काम कर रहा है, तो कर रहा है इसमें काम हो रहा है, तो कौन कर रहा है, आंसर क्या आया है, वह की इंग्लिश लिख देंगे हम ही के साथ इज लिखेंगे, एम लिखेंगे या आर लिखेंगे, तो ही के साथ हम लिखेंगे इज, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसमें काम क्या हो रहा है, इसमें है कर रहा, कर रहा की फर्स्ट फॉर्म है डू, और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे डूइंग, ही इज डूइंग। उसके बाद है अपने, तो ही के साथ अपने की इंग्लिश हमेशा, चाहे रात हो या दिन या कुछ भी हो, हमेशा ही के साथ अपने की इंग्लिश क्या रखते हैं, हिज, तो ही इज। उसके बाद काम क्या हो रहा है इसमें, अच्छा ये हो गया हिज रख दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तुम्हें बता था क्या लगाकर तलाश करते हैं क्रिया से पहले, काम क्या हो रहा है, कर रहा है, तो क्या कर रहा है, काम कर रहा है, काम की इंग्लिश है वर्क, ही इज डूइंग हिज वर्क। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम शुरू करते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस इसकी हिंदी है नकारात्मक वाक्य, सॉरी ये मिस प्रिंट है, मिस स्पेल्ड हो गया, तो नकारात्मक वाक्य, ठीक है, इसकी हिंदी। नकारात्मक वाक्य कौन से होते हैं, जिसमें नहीं दिया हुआ होता है, ठीक है, नहीं बस, जैसे मैं अखबार पढ़ रहा हूँ ये तो है स्वीकारात्मक, और मैं अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ ये है नकारात्मक निगेटिव सेंटेंस। अगर इसी का ही हमें सिंगल इंट्रोगेटिव बनाना है तो शुरू में क्या जोड़ना है, क्या मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। अगर इसका हमें डबल इंट्रोगेटिव बनाना है तो डबल इंट्रोगेटिव होगा मैं अखबार क्यों पढ़ रहा हूँ, या मैं अखबार कैसे पढ़ रहा हूँ, या मैं अखबार कब पढ़ रहा हूँ, या मैं अखबार कहाँ पढ़ रहा हूँ, ये सब होगा। अब बनाते हैं इसकी हम, ट्रांसलेट करते हैं। तो ट्रांसलेट करने के दो रूल तुम्हें बताए थे, सबसे पहले टेंस पहचानना है, उसके बाद सेंटेंस पहचानना है। रहा हूँ तो टेंस कौन सा है, ये टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और सेंटेंस कौन सा है निगेटिव। तो नंबर एक क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें भाई, कौन पढ़ रहा है, आंसर क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ, आई लिख देंगे, आई के साथ एम का यूज होगा, एम लिख देंगे। तो नंबर थ्री हमें क्या लिखना है, नोट, इज नहीं इंग्लिश, तो लिख दिया नोट। उसके बाद लिखेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब क्या है इसमें, पढ़ रहा हूँ, काम यही तो हो रहा है, पढ़ने के इंग्लिश है रीड फर्स्ट फॉर्म, प्लस इसमें आईएनजी ऐड कर देंगे तो रीडिंग हो जाएगा, है ना। और उसके बाद क्या है, क्या पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है, तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे द न्यूज़पेपर। तो सेंटेंस कंप्लीट, आई एम नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, ठीक है। अब हम करते हैं ये दूसरा एग्जाम्पल, इसका निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, वह अपना काम नहीं कर रहा है, ये कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस, और इसका अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा, वह अपना काम कर रहा है। तो नंबर एक क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन लगाकर तलाश करेंगे, तो कौन कर रहा है भाई, आंसर क्या है, वह की इंग्लिश लिख दी है, सॉरी ही। उसके बाद ही के साथ हम यूज करते हैं हमेशा इज का, इज के बाद नोट लिख दिया हमने। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, काम क्या आ रहा है इसमें, कर रहा, कर रहा की इंग्लिश तुम्हें बताई थी डू फर्स्ट फॉर्म है, प्लस आई एन जी ऐड कर देंगे डूइंग, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है आई एन जी जोड़ना है, इसके आई एन जी जोड़ने के बाद ही आगे बढ़ना है, नहीं तो जो है सेंटेंस गलत होगा। उसके बाद अपने है इसमें, बिल्कुल है, तो ही के साथ तुम्हें बताता हमेशा अपने की इंग्लिश हिज लिखेंगे, लिख दिया भाई हिज। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है भाई, तो वो काम कर रहा है, काम की इंग्लिश है वर्क। एक्स्ट्रा वर्ड बताता कब लगा कर तलाश करने के लिए, कब कर रहा है, आज कल परसों तरसों, यहाँ वहाँ है कुछ नहीं, फुल स्टॉप। उसके बाद हम शुरू करते हैं ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंगल इंट्रोगेटिव की तुम्हें पहचान बताई थी कि जो सेंटेंस क्या से शुरू हैं वो सारे के सारे सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, है ना। और इस क्या की इंग्लिश हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब उस टेंस की, ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कैसे पता चल गया भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, क्योंकि इसके लास्ट में रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हैं, हुआ है, हुए हैं, अगर ये लास्ट में है तो भाई वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। अच्छा जी, अब ये सिंगल इंट्रोगेटिव कैसे है, क्योंकि इसके शुरू में क्या दिया हुआ है, इसीलिए सिंगल इंट्रोगेटिव है। अच्छा जी, अब ये इतनी सारी बात बता दी, तो अब ये बताओ इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे। अब इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, इंग्लिश के रूल्स ये लिखे हुए हैं, हमारे सर ने लिखे हुए हैं, है ना, तो अब इंग्लिश इसमें देख के बना लो आराम से। तो नंबर एक क्या लिखेंगे, इज एम आर लिखेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है बच्चों, ये देख लो पहले, इसमें सब्जेक्ट मैं,
और मैक इंग्लिश है आई, है ना। और आई के साथ ये बताओ हम क्या लिखते हैं, इज लिखते हैं, एम लिखते हैं या आर। होशियार हो, तो इसीलिए क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं, सभी को पता है हमने ये लिख दिया एम। उसके बाद लिखेंगे हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, हम आई है तो आई लिख दिया हमने। उसके बाद नोट अगर सेंटेंस में दिया हुआ है तो लिख देंगे, इसीलिए ब्रैकेट में है। और अगर नोट नहीं दिया हुआ है तो नहीं लिखेंगे, तो इसमें नोट है भाई, है ना, तो इसकी इंग्लिश लिख देंगे नोट, एम आई नोट। उसके बाद वर्ब आ गया, वर्ब मतलब काम जो सेंटेंस में कार्य हो रहा है, वो क्या कार्य हो रहा है भाई, पढ़ रहा हूँ, पढ़ने का काम हो रहा है, तो रीड लिख देंगे। लेकिन इसने कह रखा है कि मेरे साथ प्लस आई एन जी भी जोड़ना है, नहीं तो रूठ जाऊँगा मैं, तो इसीलिए इसमें आई एन जी जोड़ दिया भाई, है ना, तो आई एन जी जोड़ दिया, एम आई नोट रीडिंग। उसके बाद अपने लिख देंगे, अपने हैं इसमें बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर आई के साथ बाई चांस अपने दे दिया तो अपने की इंग्लिश आई के साथ क्या बताई है तुम्हें, माई, ये हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे क्लास करते हैं, क्या या किसको लगाकर क्रिया से पहले, है ना, क्या पढ़ रहा है भाई, क्या पढ़ रहा है, आंसर क्या है, अखबार पढ़ रहा है जी, तो द न्यूज़पेपर, यहाँ पे लिख देंगे द न्यूज़पेपर, सेंटेंस कंप्लीट, एम आई नोट रीडिंग द न्यूज़पेपर, हो गया कंप्लीट। नहीं हुआ भाई साहब, क्वेश्चन मार्क बचा हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो, नहीं तो सेंटेंस गलत होगा, एम आई नोट रीडिंग द न्यूज़पेपर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या वह अपना कार्य नहीं कर रहा है, तो इसके शुरू में क्या है, क्या है, तो ये क्या है, सिंगल इंट्रोगेटिव भाई साहब, हमें बताया था हमारे सर ने कि भाई जो अगर क्या शुरू में है तो वो सारे के सारे सेंटेंस सिंगल इंट्रोगेटिव होंगे, और हम उनकी बात जो है टाल नहीं सकते हैं बिल्कुल भी, है ना। अच्छे बच्चे, तो अब इसकी इंग्लिश बनाएंगे हम, तो नंबर एक क्या लिखेंगे, इज एम आर। अब इसमें सब्जेक्ट चेक कर लो, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है इसमें वह की इंग्लिश है ही, तो ही के साथ क्या रखेंगे हम, इज, तो लिखते हैं इज ही, है ना, पहले ये उसके बाद सब्जेक्ट ही। नोट है इसमें, बिल्कुल है तो लगा दो नोट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, काम क्या हो रहा है इसमें, कर रहा है ना, तो करने की इंग्लिश है डू, फिर कहा था कि डू के साथ भाई आई एन जी जरूर जुड़ेगा इसमें, इस वाले टेंस में, तो डूइंग कर दिया, आई एन जी जोड़ दिया। उसके बाद अपने भी है इसमें, तो वह के साथ अपने की इंग्लिश क्या है, तुम्हें बताई थी वह के साथ अपने की इंग्लिश हमेशा हिज है, तो रख दो जी हिज। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, काम कर रहा है जी, काम की इंग्लिश है वर्क, और ई टी सी इसमें कुछ है नहीं, और अगर पता करना है तो कब लगा कर पता कर लो, ई टी सी का कब कर रहा है, आज कल परसों, नहीं है, कुछ नहीं है भाई, प्रतिदिन नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दो, सेंटेंस ये कंप्लीट। अब बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव की, ठीक है ना, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान बताई थी तुम्हें, जिनके बीच में क्या होगा, कब होगा, है ना, क्यों होगा, कहाँ होगा, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। अगर ये शब्द हैं कब, क्यों, कहाँ, कैसे, तो वो होगा डबल इंट्रोगेटिव, क्या होगा वो, डबल इंट्रोगेटिव। इसकी हिंदी है प्रश्न सूचक वाक्य। जैसे मैं अखबार क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, तो भाई साहब इसके बीच में तो क्वेश्चन बढ़े हैं, डबल इंट्रोगेटिव है, हमारे सर ने बताया था कब, क्यों, कहाँ, कैसे होगा बीच में, तो वो डबल इंट्रोगेटिव है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है वह अपना काम क्यों नहीं कर रहा है, ये भी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये रहे अंग्रेजी बनाने के रूल्स जो बता रखे हैं सर ने, है ना। तो नंबर एक क्या लिखें, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे भाई, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, इसमें क्वेश्चन वर्ड है क्यों, और क्यों की इंग्लिश क्या, मोहल्ले पड़ोस का अनपढ़ आदमी बता देगा कि वाई है क्यों की इंग्लिश, तो इसमें वाई लिख दिया। उसके बाद इज एम आर लिख दो, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है मैं, मैक इंग्लिश है आई, और आई के साथ हमने बहुत बार सीख लिया, आई के साथ हम लगाते हैं एम, तो वाई एम आई। नंबर थ्री किसकी इंग्लिश लिखेंगे, सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट लिख दिया आई। नंबर फोर नोट है इसमें, बिल्कुल है, ये लगा दिया हमने नोट, है ना, नोट लगा दिया। नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, काम क्या हो रहा है इसमें, इसमें काम हो रहा है भाई साहब पढ़ने का, रीड फर्स्ट फॉर्म है, प्लस आई एन जी ऐड कर दिया। उसके बाद अपने, इसमें अपने नहीं है, अगर होता तो आई के साथ अपने की इंग्लिश लिखते हैं माई। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्लास करते हैं क्या या किसको लगाकर, क्या पढ़ रहा है भाई, अखबार पढ़ रहा है, अखबार की इंग्लिश सभी को पता है भाई, न्यूज़पेपर है, और न्यूज़पेपर कॉमन नाउन है, इसी के लिए इसके पहले दा लगा देंगे, तो वाई एम आई नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुआ, क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गए तुम, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी जरूर लगा दो। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है भाई, वह अपना काम क्यों नहीं कर रहा है, काम या कार्य है, है ना। नंबर एक क्या लिखें, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड कहाँ है जो सेंटेंस में कहाँ है, क्यों, तो लिख दो इसकी वाई, ये लिख दिया जी। उसके बाद इज एम आर सब्जेक्ट है इसमें वह, वह की इंग्लिश है ही के साथ क्या लिखेंगे हम, इज, तो वाई इज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, कौन लगाकर, कौन कर रहा है, वह कर रहा है जी, तो ही लिख दिया। नोट है इसमें, ये रहा नोट, तो नोट की इंग्लिश, सॉरी नहीं की इंग्लिश, नोट लिख दी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, काम क्या हो रहा है इसमें, कर रहा,
तो इसकी इंग्लिश है डू प्लस आईएनजी कर देंगे डूइंग। अपने हैं इसमें वह के साथ, अपने की अंग्रेजी तुम्हें बता रखी है भाई साहब, हिज लगानी है, ये सपने में भी नहीं बोलनी तुम्हें। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, काम कर रहा है, काम की इंग्लिश है वर्क। ईटीसी कब लगा कर तलाश करेंगे, कब कर रहा है, आजकल परसों नहीं है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और ये पूरी सीरीज होगी, पूरी कंप्लीट ग्रामर करवाऊंगा मैं 10th 12th की। बस चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और बस मज़े से नोट करते हैं सारे के सारे रूल्स, और बने रहे हमारे साथ इंग्लिश लिटरेचर अड्डा पर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं कल अगली वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में।